and welcome to IGT. I am Prachi Sanhotra, going to make a kadhi, pakora kadhi. So, I will tell you what we need. This is a Punjabi dish. Generally, everyone has been made. Kadhi with rice, kadhi with paratha. So, let's see what we need to do. हमारे पास बेसन रेडी है. ये हमारा बेसन जो है ये स्पेशली पकोड़े के लिए है. पहले हम पकोड़े बनाएंगे. उसके लिए हम यहाँ पे ग्रीन चिली चॉप कर रहे हैं और हमारे पास स्पिनिच है, थोड़ा सा स्पिनिच है. स्पिनिच को भी हम पकोड़ा में डालेंगे और बनाएंगे. सो हियर वी आर रेडी विद अवर अनियन, स्पिनिच एंड लिटिल ग्रीन चिली. ये सब जाएगा हमारे बेसन के पकौड़े के अंदर, बेसन के पकौड़े बनाने के लिए. बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें, पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर. Salt as per your taste, red chili powder, asafoetida powder, hing powder, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें अजवाइन. ये बना नाइस मिक्स. इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम पानी डालेंगे और इस पकौड़े के लिए एकदम ये रेडी हो जाएगा. फिर पानी डाल के पकौड़े की तरह हम बनाएंगे. हमारा ऑयल हॉट है, अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे. हमारे पकौड़े एकदम रेडी हैं. अब हम करेंगे कड़ी की प्रिपरेशन. 2 स्पून हमने इसके अंदर बेसन पाउडर डाल दिया है. अब हम इसमें डालेंगे दही. यहाँ पे हमारे पास योगर्ट है तो ये हम इसके अंदर अब डालेंगे. योगर्ट कप का साइज ये है हमारा, तो 170 ग्राम का एक कप है और हमने यहाँ पे 4 कप्स डाले हैं. तो सेम वॉक और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले एसाफोटिडा पाउडर, हिंग पाउडर. उसके बाद हम डालेंगे सूखा धनिया और उसके बाद हम डालेंगे जीरा. वंस इट्स क्रैकर फिर हम इसमें डालेंगे हमारे अनियन एंड गार्लिक. हियर वी ऐड इन गार्लिक एंड अनियन. पाउडर, रेड चिली पाउडर. Coriander powder and turmeric powder. अब जाएगा हमारा बेसन और दही का बैटर जो हमने बनाया था वो सारा इसके अंदर. हम इसमें पानी डालेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट. आपको जितना अच्छा सा पकाएंगे इसमें पानी में तो उतना ही अच्छा बनेगा कड़ी. अलग से हम इसकी टेम्परिंग कर रहे हैं मेथी दाना से और रेड चिली से, ड्राई रेड चिली. सो ये हमने अराउंड 4-5 रेड चिलीज डाल दी हैं और मेथी दाना डाल दी है. इसको जब हमारी कड़ी बन जाएगी इसके ऊपर से हम इसको डालेंगे टेम्परिंग के लिए. सो हमारी कड़ी ने एक नाइस बॉयल दे दिया है. अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे पकौड़े. पकौड़े डालने के बाद हम डालेंगे इसकी टेम्परिंग जो हमने बनाई थी, इसको अच्छे से करेंगे गार्निश. तो ये हमारी दही, रेड चिली एंड मेथी दाना. इसको रखेंगे 2-3 मिनट्स के लिए और एक बॉईल के बाद हमारी कड़ी एकदम रेडी है. लिटिल कोरिएंडर लीव्स, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स फॉर गार्निशिंग. सो हियर वी आर रेडी विद अवर कड़ी, पकौड़ा कड़ी. इसको ट्राई करते हैं खा के कैसा बना है. इट स्मेल यम, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है. Mmm.
जो हमने स्पिनच के पकौड़े बनाए हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसका टेस्ट बहुत ही यमी आ रहा है, जो हमने उसमें टैम्परिंग करी है, जो गार्निशिंग करी है रेड चिली और मिर्ची डालने से। मैं इसको खाने वाली हूँ बॉइल्ड राइस के साथ। आप चाहे तो इसको पराठा के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहे तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ। मैं इसको इंजॉय कर रही हूँ, आप अपने घर पे ट्राई कीजिए और प्लीज मुझसे शेयर कीजिए आपकी कढ़ी, पकौड़ा कढ़ी बिल्कुल मेरी पकौड़ा कढ़ी जैसी बनी है। विल मीट यू नेक्स्ट वीक, सी यू, बाय बाय।